सरफराज, अगर कल टीम क्वालिफाई नहीं करती तो एज पाकिस्तान कैप्टन, एज पाकिस्तान सीनियर प्लेयर, कितना डिसअपॉइंटमेंट होगा, स्पेशली आफ्टर कि आपने इतनी अच्छी रिकवरी की आफ्टर बैड स्टार्ट? देखें, बिल्कुल ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग ज़रूर है, क्योंकि जिस तरीके से हमने मैचेस में कम बैक किया, अब चीज़ें ऐसी आ गई जो कि आपके हाथ में नहीं है, रन रेट ऐसा आ गया, तो ऑब्वियसली एज ए टीम लड़कों में डिसअपॉइंटिंग ज़रूर है। हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है कि मार्जिन थोड़ा कम मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, तो ऑब्वियसली जब ये सब चीज़ें आई सामने तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग ज़रूर है। लेकिन ये कि लड़के मोटिवेटेड हैं, कोशिश की लड़कों से ये कि भाई हम जो हमारे हाथ में जो चीज़ें हम वो चीज़ करें और कल के मैच में पूरी तैयारी के साथ ग्राउंड में उतरें और कोशिश करें कि ये मैच जीते। अफसोस है कि थोड़ा सा रन रेट बेहतर नहीं किया, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमें थोड़ा चांस मिला था, अफगानिस्तान की टीम ऐसी थी जिस पे हम थोड़ा जा सकते थे, अटैक कर सकते थे। देखें, अगर आप उन पिचेस को देखें तो वो पिचेस ऐसी नहीं थी कि आप वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा खुली क्रिकेट खेलते, क्योंकि आपके सामने वो जितने ही मैचेज हुए हैं बहुत ज़्यादा गेंद टर्न हो रहा था, बहुत ज़्यादा फंस के आ रहा था, तो इतना आसान नहीं था अभी, तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा चीज़ नहीं है। अब ये चीज़ हो गई है, 316 रन का बहुत बड़ा मार्जिन है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, इंशाल्लाह हम पूरी एफर्ट करेंगे, बाकी अल्लाह मालिक है। सरफराज, अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड की निस्बत पाकिस्तान काफ़ी बेहतर खेला है, हमने बड़ी टीमों को हराया अगर न्यूजीलैंड से कंपैरिजन करें, लेकिन पैटर्न ऐसा है कि आप पाकिस्तान बज़ाहिर बाहर होता नज़र आ रहा है और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल खेल रहा है, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा पैटर्न भी ऐसा है कि जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी मुश्किल आई है? देखिए, पैटर्न्स के बारे में तो ऑब्वियसली ये देखें पहले से ही डिसाइडेड था, सारा कुछ पहले से बना हुआ था, बस मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है कि हम अनलकी कह दें कि हमारा जो पहला मैच था शायद वो जिसकी मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज़ वाला जो मैच था, क्योंकि उस मैच में हम लोग आए नहीं और बहुत कम रन पर आउट हो गए, जिसकी वजह से हमें शायद ये रन रेट में बहुत ज़्यादा मार्जिन मिला। सरफराज, अगर हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें कि हमारी जो परफॉर्मेंस चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत अच्छी रही, लेकिन 2003 का वर्ल्ड कप हो या 2007 का वर्ल्ड कप हो या 2015 का वर्ल्ड कप हो, उसमें आप भी थे, तो ये हमारी हिस्ट्री जो है इसमें वो जो एक मोटिवेशन इनकरेजमेंट आता है कि हम जीतेंगे और आगे जाएंगे, लोगों को बड़ी उम्मीद होती है, तो अब जैसे डिसअपॉइंटमेंट हुई, आप भी डिसअपॉइंटेड, तो इन चीज़ों का क्या इलाज है कि हमारी क्रिकेट बहुत ऊपर जाती है जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में होकर के उसके बाद नीचे आ जाती है, तो आप क्या समझते हैं ये फ्लक्चुएशन क्यों है? देखिए, आप फ्लक्चुएशन की बात करेंगे तो शुरू से ही आपको चलती हुई नज़र आएगी, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो आई थिंक चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। अगर आप इस में बात करें तो आप देखें जो आपकी टीम जीती है थ्रू आउट टूर्नामेंट में, आपकी टीम ने अच्छी टीमों को मैच हराया, दो के दो सेमी फाइनलिस्ट टीमें हैं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, तो हमने क्रिकेट अच्छी खेली। ऑब्वियसली शुरू में कुछ मैचों में अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन अगर आप अभी आप सारी सिचुएशन देखते हैं तो जिस तरीके से हमने कम बैक किया, आई थिंक शायद किसी और टीम ने कम बैक नहीं किया इस टूर्नामेंट में। सरफराज, अगर इस पूरी वर्ल्ड कप की कंपेयर में एक पॉइंट पूछा जाए कि पाकिस्तान ने वो कौन सा पॉइंट मिस किया जिसकी वजह से आज ये सिचुएशन पाकिस्तान को देखना पड़ रही है? देखें, ऑब्वियसली एक तो वेस्ट इंडीज़ वाला मैच है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच जो मुझे अगर अब हमारी इस पूरी जर्नी को देखें तो वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था, जहाँ पे हमारी पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अगर हम उस मैच को जीत जाते तो आई थिंक पोजीशन बहुत ज़्यादा बेहतर होती, तो मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया वाला मैच टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि चीज़ें हमारे हाथ में थी और एज ए टीम हमने उस चीज़ को लूज़ किया जिसकी वजह से। आपके जो दोनों ओपनर्स हैं इमाम और फ़खर, दोनों बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके, एक दो मैच हैं जिन्होंने अच्छा स्टैंड दिया, फिर आपके जो दो सीनियर प्लेयर्स शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ की भी एक बड़ी इनिंग्स है, पार्ट टाइम बॉलर्स पे वो आउट, आप समझते हैं कि आपकी जो बैटिंग है उसने लेट डाउन किया आपको? नहीं, आप शुरू के मैचेस में कह सकते हैं कि बैटिंग ने थोड़े से लंबे रन्स नहीं किए, लेकिन आप ओवरऑल देखें तो एज अ बैटिंग यूनिट ठीक है, हमारे लड़कों ने अच्छे रन स्कोर नहीं किए, लेकिन सब ने कहीं ना कहीं जो है ना वो स्कोर अपना अपना हिस्सा डाला है। ठीक है, पार्ट टाइम पर आउट हो जाना, अनलकीली हफीज़ भाई ने ट्राई की लेकिन आउट हो गया, लेकिन मैं नहीं समझता कि बैटिंग, मैं समझता हूँ कि हमने शुरू के मैचेज में बैटिंग अच्छी नहीं की, लेकिन अगर आप आखिरी के मैचेज में देखें तो जहाँ जहाँ लड़कों को ज़रूरत पड़ी, भले छोटे छोटे रन भी हों, 20 रन 25 रन, वो भी बड़े काम के होते हैं, तो जिसने भी सब ने थोड़ा थोड़ा अपना चिप इन किया। हाँ, ये ज़रूर है कि लंबी इनिंग नहीं लगी, हमें सेंचुरीज़ करनी चाहिए थी, जैसा कि आपने थ्रू आउट टूर्नामेंट में देखा कि जो कि सेंचुरीज़ हो रही हैं वो ऊपर के नंबर से ही हो रही हैं टॉप ऑर्डर में, तो हमारे बैट्समैन ने रन किया लेकिन लंबे स्कोर नहीं किए। सरफराज, नॉर्मली पाकिस्तान क्रिकेट में रिवायत रही है टीम ऐसे बाहर होती है, उखाड़ पे चाड़ शुरू हो जाता है, कोई कप्तानी को खतरा देख रहे हैं अपने वर्ल्ड कप के बाद? देखिए, ये तो सारी चीज़ें वर्ल्ड कप के बाद डिसाइड होंगी और पीसीबी इसमें ज़्यादा बेहतर समझता है कि उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद क्या करना है। सरफराज, वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ तब्दीलियों का इरादा रखता है इतना कि क्रिकेट को बेहतर किया जाए, पाकिस्तान ने अभी बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलनी है, बतौर कप्तान आप क्या सुजेस्ट करेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ जिन पर फोकस करने की ज़रूरत है, किस तरह के जो वाक़यात होते रहते हैं कि हर वर्ल्ड कप के बाहर होना वो दोबारा ना दिखने को मिले? क्रिकेटिंग वाइज में पूछ रहे हैं, आई थिंक देखें ऑब्वियसली अभी आपको पता है कि वर्ल्ड कप के बाद जो है वो
टीम का दो ढाई महीने का गैप है, ऑब्वियसली पीसीबी जो है वो सारा कुछ बैठ के देख रहा होगा क्या चीज़ें बेहतर करनी है, ऑब्वियसली मैनेजर्स अपनी रिपोर्ट देंगे, कोच अपनी रिपोर्ट देंगे, जो बेस्ट पॉसिबल होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो पीसीबी ज़रूर करेगा। सरफराज, शुएब मलिक पहले कह चुके हैं ये वर्ल्ड कप उनका आखिरी वर्ल्ड कप है, तो अब इससे पहले भी पिछले कई सालों में जो भी खिलाड़ी गया है वो बड़े बेइज्जत होके गया है, रिटायरमेंट के लिए मौका भी नहीं मिला उसको एक आखिरी मैच खेल सके, शायद अफरीदी या दूसरे बहुत सारे खिलाड़ी, तो आप क्या टीम मैनेजमेंट ने ऐसे ही उनको जाने का फैसला कर लिया कि वो भी ऐसी बेइज्जत होकर जाएंगे? नहीं देखें, जहाँ तक रही टीम प्लेइंग 11 की बात, जैसे मैंने पहले बताया कि अभी पिच देखी नहीं है, अभी थोड़ा सा फाइनल लुक देना क्योंकि कल पिच जो है उसने तैयार नहीं की थी थोड़ा, तो अभी फाइनल लुक देखेंगे और जो बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 होगी इंशाल्लाह वो कल मैदान में उतारेंगे। हम देखें तो दो टीमें ऐसी है सेमीफाइनल में जिसको हम हरा चुके हैं, तो आप समझते हैं कि नेट रन रेट की वजह अगर हम आगे के मैचेस में हेड टू हेड वाली कोई सिचुएशन आ जाए पैटर्न चेंज करने में तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा कि उससे क्योंकि आइडिया हो सके कौन सी टीम ने एक्चुअली ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया, क्योंकि नेट रन रेट एक आध मैच की वजह से ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ओवरऑल जो दो टीमें ऐसी जिसको हम हरा चुके हैं वो आगे और हम आगे नहीं जा पा रहे। देखिए बिल्कुल बेहतरी की गुंजाइश जो है वो हर चीज़ में ज़रूर है और आई थिंक जो टूर्नामेंट को बनाते हैं जो करवाते हैं वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन हेड टू हेड भी देखें अगर हेड टू हेड होता हो सकता है कि कोई टीम जो उसका रन रेट बेहतर होता और सामने वाली टीम जो है वो जैसे कि मिसाल है कि आज हम जीते में हो सकता कल हमसे कोई जीता हुआ होता, तो आई थिंक ये जो बनाने वाले हैं वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि क्या चीज़ बेहतर है क्या चीज़ बेहतर नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो बिल्कुल हमने दोनों टीमों को हराया हुआ और अच्छे मार्जिनों से हराया हुआ उनको। सरफराज मौजदा हो या अल्लाह करे मौजदा हो जाए और हम आगे चले जाएं, लेकिन जो चांसेस हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, टॉस अगर उन्होंने जीत ली और पहले बैटिंग कर ली तो भी सूरत हाल वाजे हो जाएगी। आपने अभी कहा कि पीसीबी फैसला करेगा, लेकिन एक इंसान की खुद की विश होती है, क्या सरफराज विश कर रहा है कि बाद में भी कंटिन्यू करे एज कैप्टन, या कंसिडर कर रहे हैं कि जिन फॉर्मेट्स में आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा या बातें उठ रही हैं उसकी कैप्टनशिप आप छोड़ दें? और इसी तरीके से मिकी आर्थर का टेन्योर भी ख़त्म हो गया है, आप क्या समझते हैं मिकी आर्थर फर्दर पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है या अब चेंज आ देनी चाहिए? देखें जो भी डिसाइड करना है वो तो पीसीबी ने डिसाइड करना है और जो भी विषय वो मेरे दिल में है इंशाल्लाह तो मेरे दिल में ही रहेगी। देखिए वो पीसीबी ने डिसाइड करना है सारा कुछ, सारी चीज़ आपको पता है कि सब पीसीबी ने डिसाइड करना है, तो इंशाल्लाह देखें जो बेहतर होगा पीसीबी वही करेगा सबके लिए पाकिस्तान के लिए। सरफराज पूरे वर्ल्ड कप में आप अपनी कारकर्दगी से बतौर कैप्टन ज़्यादा मुतमिन हैं या बतौर प्लेयर? देखिए अगर आप मिली जुली परफॉर्मेंस रही है, अगर आप मेरी पूरी परफॉर्मेंस देखें तो ठीक है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नई परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन मिली जुली परफॉर्मेंस चाहिए और कोशिश करूं कि जहां मेरी टीम को ज़रूरत हो वहां कोशिश करूंगा अपनी कीपिंग से बैटिंग से अच्छा कर सकूं, लेकिन आप कह सकते हैं कि मिली जुली परफॉर्मेंस रही है। सरफराज कई प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर मायूस किया, फ़खर जमान की बात करें, हसन अली की बात करें, क्या कहेंगे इनकी परफॉर्मेंस के हवाले से? देखिए तमाम लड़कों ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि टूर्नामेंट में पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि बंदा कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसे परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही होती, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप ओवरऑल देखें तो एज ए टीम हमने अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है हम क्वालिफाई नहीं कर सके। फ़खर की आप बात करते हैं तो उसने जो है रन्स किए हैं लेकिन लंबे रन्स नहीं वो कर सका, टीम को जहाँ अच्छे मैचों में स्टार्ट की ज़रूरत थी वहाँ उसने अच्छा स्टार्ट भी, जैसे कि आप देखेंगे साउथ अफ्रीका वाले मैच में वहाँ ज़रूरत थी कि एक अच्छी पार्टनरशिप लगे, वहाँ 70-80 रन का स्टैंड दिया। उसके अलावा इंग्लैंड के मैच की अगर आप बात करें जो हम इंग्लैंड से मैच जीते वहाँ भी एक अच्छी ओपनिंग शराकत हुई जहाँ पर उसके रन 40-40 उसने किए लेकिन लंबे रन्स नहीं कर सका। इसी तरीके से हसन एक बहुत ज़बरदस्त टीम का प्लेयर है और हमेशा जब भी वो खेलता है एफर्ट डालते हैं, परफॉर्मेंस होना है ना होना ये तो किस्मत की बात है, लेकिन जो आपकी एफर्ट है वो नज़र आनी चाहिए और दोनों प्लेयर्स ने अपनी एफर्ट ज़रूर की, बस अनलकीली ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए ज़्यादा। सरफराज आपकी कप्तानी में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता, फिर एशिया कप से हम बांग्लादेश से हार के फाइनल से बाहर हुए थे और इस वर्ल्ड कप में भी, क्या 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बज़ाहिर हम ऑस्ट्रेलिया से भी हारे, न्यूजीलैंड से हारे, इंग्लैंड से हारे, पाकिस्तानी टीम का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि स्टैट्स में तो यही दिखाई दे रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सरफराज ये जो टूर्नामेंट का आप लोग फॉर द लास्ट फ्यू मैचेस अच्छे खेले हो, बट इट बहुत सारे यंगस्टर्स अच्छे खेले हैं इस बार, शाइन अफरीदी एंड ऑल दीज पीपल, टेक अवेज क्या है टूर्नामेंट के, बिकॉज आगे थोड़ी सी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, ये जो टेक अवेज है टूर्नामेंट से
व्हाट आर द टेकअवेज फ्रॉम द टूर्नामेंट? देखें बिल्कुल आप ले सकते हैं, अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें, बाबर आजम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, ज़बरदस्त, उसका पहला वर्ल्ड कप था और जिस तरीके से उसने रिस्पॉन्स किया वो बहुत ही ज़बरदस्त था। उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस की, आमिर ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, वहाब रियाज ने बहुत अच्छा कमबैक किया और शादाब ने अच्छी बॉलिंग की। आई थिंक लड़कों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस की है जो कि आगे आने वाले फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए अच्छा है।